कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जहां नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने बशीर बद्र को याद करते हुए कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नोटबंदी के फैसले से इन पंक्तियों को जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इससे गरीब लोगों पर जबरदस्त चोट पड़ी है। नोटबंदी की वजह से 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी को गरीबों और मजदूरों पर बमबारी करने जैसा फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी से सिर्फ 3 मांग की थी, लेकिन मोदी जी ने गरीबों और मजदूरों का मजाक उड़ाया। कांग्रेस भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी कदम में हम साथ हैं, लेकिन नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं है बल्कि यह आर्थिक डकैती है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। वो एक के बाद एक मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पहले कल भी बहराइच रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला था। वहीं पीएम मोदी ने भी वाराणसी में राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।